नमस्कार 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 दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस स्पेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज हम मैच देखने जा रहे हैं बॉबी फिशर का एक मुकाबला। बॉबी फिशर का ये मुकाबला हमें काफ़ी कुछ सिखाएगा, खासतौर पर इस पर हमारी नज़र रहेगी कि किस तरह से अपोनेंट के राजा की वीकनेस जो है वो एक खास मुद्दा बनती है। उसके अलावा आपके मोहरों को सही स्क्वायर ढूंढकर एक्सचेंज करने की कोशिश जो है वो आपके दूसरे मोहरों को इम्प्रूव कर सकती है, बेहतर कर सकती है। और साथ ही साथ जो खास नज़र रहेगी वो आपको देखना है सेकंड रैंक की जो वीकनेस है उसका कैसे बॉबी फिशर ने इस्तेमाल किया। तो इन सारी बातों को ध्यान रखेंगे। आइए देखते हैं मुकाबला क्या हुआ। काले मोहरों से खेल रहे थे यहाँ पर बॉबी फिशर। शुरुआत हुई E4 से। उनके अपोनेंट थे यूनिजिकर वोल्फगैंग। और ये मैच खेला गया 1962 में। जर्मनी के खिलाड़ी से मुकाबला खेल रहे थे। जर्मनी और अमेरिका के बीच ये मैच खेला गया था। तो आइए देखते हैं क्या कैसे हुआ। E4 बॉबी फिशर ने जवाब दिया C5 से। नाइट F3 D6 D4 ओपन सिसिलियन C2 D4 Knight into D4 Knight F6 Knight C3 तो A6 तो सिसिलियन नज्ड ऑफ जो है यहाँ पर बॉबी फिशर खेलते हुए। Bishop E2 जो स्टैंडर्ड मेन लाइन है उसको अपनाया यहाँ पर यूनिजिकर ने। और बॉबी फिशर ने खेला यहाँ पर E5। ओके सो Knight B3 जैसे कि हम सभी जानते हैं। Bishop E6 तो ये सब बिल्कुल कॉमन लाइन जो है वो यहाँ पर खेली जा रही थी। अगली चाल यहाँ पर बॉबी फिशर खेलते हैं, सॉरी यूनिजिकर खेलते हैं कासलिंग। सो यहाँ पर बॉबी फिशर चुनते हैं Knight BD7। यहाँ पर Bishop E7 डायरेक्ट भी चलता है लेकिन बॉबी फिशर ने खेला Knight BD7 जो कि भी एक फेवरेट लाइन है। और अब यहाँ पर वाइट खेलता है F4, एक थोड़ा अग्रेसिव रुख भी है। तो जब आप इस तरह का अग्रेसिव रुख अपनाते हैं तो दो चीज़ें होती हैं, एक तो अटैक तो आप कर रहे हैं लेकिन साथ ही साथ आप किंग का डायगोनल भी खोल रहे हैं, तो आपको इसके बारे में भी तैयारी अपनी रखनी चाहिए। बॉबी फिशर यहाँ पे मूव खेलते हैं Qc7 जो कि यहाँ पर सबसे फेवरेट मूव है। नज़र सिर्फ E5 के स्क्वायर पे नहीं है कि अपोनेंट यहाँ पर एक्सचेंज करेगा। दरअसल अगर ये पॉन आगे बढ़ता है तो ये बिशप जो है वो C4 का स्क्वायर प्रिपेयर करेगा ताकि इस बिशप को एक्सचेंज किया जा सके, ठीक है। और एक और बात यह है कि यहाँ पर अगर हम मारने की कोशिश करेंगे तो वो बिल्कुल भी जो है हमारे लिए अच्छा नहीं होता है। E F4 और Bishop F4 इसमें एक्चुअली में भले ये पॉन जो है वाइट का सिंगल हो गया लेकिन ये हमारी एक वीकनेस बन जाती है और अपोनेंट के पीसेज जो है वो ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं, तो ये अच्छा नहीं माना गया ब्लैक के लिए। इसलिए ब्लैक चुपचाप खेलता है Qc7। यहाँ पर यूनिजिकर खेलते हैं F5 तो बॉबी फिशर ने खेला Bishop C4। और अब यहाँ पर वाइट खेलता है A4। आइडिया है B5 को स्टॉप करना। खैर कोई बात नहीं, बॉबी फिशर यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं डेवलपमेंट। देखिए ये चीज़ आपको हमेशा गांठ बांध के रख लेनी है कि खिलाड़ी कोई भी हो, कोई भी विश्व चैंपियन हो, उसका पहला काम होता था अपने राजा की सुरक्षा और उसके मोहरों का डेवलपमेंट। अगर उसके मोहरे खेल रहे हैं, उसका राजा सेफ है, तभी वो आक्रमण के लिए जो है वो जाते थे उसके बाद। सो Bishop E3 अपना आखिरी मोहरा यहाँ पर यूनिजिकर ने भी निकाल लिया और कासल कर लिया ब्लैक ने। तो दोनों साइड से मोहरे डेवलपमेंट सब हो चुका था और अब इसके बाद एक एक चाल जो है वो दोनों की काबिलियत जो है वो दिखाने वाली है कि कौन कितना समझदार है, इस पोजीशन को समझ रहा है और कितना काबिल है। यहाँ पर यूनिजिकर ने खेला A5। ओके आइडिया क्या था कि B6 के स्क्वायर को कंट्रोल रखना और यहाँ पर एक प्रेशर जो है बना के रखना, लेकिन बॉबी फिशर चुनते हैं B5। मतलब जी हाँ, आप यहाँ पर उन्होंने N% मार दिया AB6, Knight into B6, Bishop into B6, Queen B6 चेक। अभी C4 नहीं मार सकते क्योंकि चेक है, तो King H1। और अब यहाँ से जो मैंने आपको बात बोली थी कि कैसे आप अपने मोहरों को ऐसे स्क्वायर पर रख सकते हैं कि एक्सचेंज भी करें तो कुछ फ़ायदा लें, तो यहाँ पर उन्होंने खेला Bishop B5। मतलब ठीक है आप एक्सचेंज कर लीजिए लेकिन B5 से एक्सचेंज करिए, उससे क्या होगा कि हमारा जो A6 वाला पॉन बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रहा है, एक्सपोज हो रहा है, वो ठीक हो जाएगा। ओके यहाँ पर यूनिजिकर ने खेला Bishop into B5 A into B5। और अब यूनिजिकर थोड़ा गलती करते हैं और खेलते हैं Knight D5। मतलब वो सारे मोहरों का एक्सचेंज करने की तरफ जा रहे हैं और उन्हें वो इस बात का कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं कि इस पोजीशन में जो एंड गेम आने वाला है वो फिशर के लिए ख़राब नहीं आने वाला है। यूनिजिकर को ये लग रहा था कि ये बिशप चूंकि काफ़ी ख़राब है, बैड बिशप है, तो ये एक्सचेंज जो है वो उनको फेवर करेगा। अभी आगे देखिए क्या होता है। Knight into D5 Queen into D5 और अगली जो कुछ चालें हैं, अब देखिए यूनिजिकर को लग रहा था कि ये जो बिशप है ये काफ़ी ख़राब है, ये नाइट अच्छा है, तो उनके लिए पोजीशन जो है मतलब अभी अच्छा नहीं है पर हो जाएगा, तो ठीक है। लेकिन यहाँ पर बॉबी फिशर जो है वो फोकस करते हैं उनकी वीकनेस के ऊपर जो कि उनको नज़र आ रही थी यहाँ पर इन पॉन्स के आसपास, खासतौर पर E4 पे। तो अगली चाल आती है बॉबी फिशर की Rook A4। अब देखिए इंटरेस्टिंग मूव है, एक्सचेंज के लिए रुक सामने है, आप चाहें तो मार सकते हैं Rook A4, लेकिन BA4 के बाद आप देखिए कि पोजीशन जो है वो फेवर करेगी ब्लैक को। नाइट हटेगा तो पॉन B2 जा रहा है, Queen A5 आएगा एक्सचेंज के लिए, तो Queen C6 के बाद जो है पोजीशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर हो जाएगी ब्लैक की।
तो बात सिर्फ ये नहीं होती कि कौन सा मोहरा अच्छा दिख रहा है, कौन सा खराब दिख रहा है, ये बात भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी जो वीकनेस है क्या वो अभी उसको जो है उसका फ़ायदा उठाए। कोई भी वीकनेस है उसका तुरंत फ़ायदा अगर उठाया जा सकता है तो वो जो है वो ज़्यादा नुकसानदायक है। और यहाँ पर E4 जो है उस पर सीधा आक्रमण किया बॉबी फिशर ने। यहाँ पर C3 खेल के जवाब दिया ताकि D4 के स्क्वायर को भी पकड़ा जा सके और B4 के स्क्वायर को भी पकड़ा जा सके। खैर यहाँ पर बॉबी फिशर खेलते हैं क्वीन A6। अब ये इंटरेस्टिंग मूव है, क्वीन A6, प्रेशर फिर से वही है पूरा का पूरा। खैर यहाँ पर एक्सचेंज नहीं किया, यहाँ पर वाइट ने खेला H3, सो नाउ रुक C8। तो आप देखिए कि एक एक करके वो सारे मोहरों को जो है वो काम पर लगाते जा रहे हैं और एक कोऑर्डिनेशन है उनके बिटवीन, जबकि अभी भी वाइट के पीसेस के बीच में कोऑर्डिनेशन जो है वो दिख नहीं रहा, मतलब तालमेल नज़र नहीं आ रहा। रुक F1 खेला यहाँ पर वाइट ने। तो अब बॉबी फिशर अपना जो है आप देखिए कि उन्होंने क्या कर लिया कि अपने किंग को भी जो है सेव कर लिया, H6 खेल के बैक रैंक का प्रॉब्लम खत्म कर लिया। वाइट ने खेला किंग H2, तो बॉबी फिशर खेलते हैं बिशप G5। तो एक एक करके देखिए उन्होंने सारे मोहरे जो है वो अपने कहीं ना कहीं काम पे जो है वो लगा दिए हैं। अब अगली जो चाल है, अब इसी तरह की चालें जो है वो गलतियां जो है उसे शुरू होती है। अब बिशप F4 का थ्रेट है था यहाँ पर, तो G3 खेला वाइट ने। जैसे ही वाइट ने G3 खेला दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि क्या कमज़ोर हो गया? जी हाँ, आप देख सकते हैं ये सेकेंड रैंक कमज़ोर हो गई F2 के आगे आने से। यहाँ पर F2 अगर आगे आया है तो ये इसको ही समझते हुए बॉबी फिशर ने खेला क्वीन A7। अभी आइडिया क्या है, क्वीन F2 यहाँ पर चेक आने वाला है क्वीन F2 पर। यहाँ पर किंग G2 खेला वाइट ने ताकि F2 के स्क्वायर को कवर किया जा सके, लेकिन सेकेंड रैंक जो है वो ऑलरेडी कमज़ोर पड़ गई थी, सॉरी। तो रुक A2 खेला, भी आइडिया है रुक इनटू B2। यहाँ पे अगर मार दे रुक A2, क्वीन A2 के बाद आप देखिए क्वीन B5 अगर खेलते भी हैं, क्वीन B2 रुक E2 और क्वीन C3 के बाद जो पोजीशन है वो ब्लैक को ही फेवर कर रही है। तो यहाँ पर रुक A2 पे खेला किंग, इन्होंने खेला किंग F1 और ये एक बड़ी ब्लंडर थी। अब आपकी बारी है, पॉज करिए और सोचिए कि आप यहाँ पर क्या खेलते। यहाँ पर बॉबी फिशर ने खेला, मुझे लगता है आपने ढूंढ लिया होगा, रुक इंटू C3। जी हाँ, सीधा ब्लास्ट कर दिया। आप अगर मारने जाएंगे तो सीधा मेट हो जाएगी F2 पे, तो वो तो आप मार नहीं सकते। उन्होंने यहाँ पर खेला, हाँ सॉरी, यहाँ पर इन्होंने खेला B C3, क्वीन F2 जो है वो चेकमेट। और अगर यहाँ पर BC3 ना मार के रुक A2 मारा जाए तो रुक F3 चेक है, किंग E2 वहाँ पर रिजाइन ही कर दिया एक्चुअली रुक C3 के बाद, किंग E2, यहाँ पर रुक F2 चेक, किंग D3, क्वीन A2, और ये भी विनिंग है। अगर किंग G2 जाए क्वीन F2 चेक, किंग H1 और क्वीन E1, ये भी गेम खत्म हो जाएगा। तो ये सारा का सारा जो है देखिए खेल शुरू होता है जब जब F4 मूव आती है, क्वीन C7 का सिलेक्शन करते हैं बॉबी फिशर और C4 के स्क्वायर को पकड़ते हैं, और उसके बाद B5 एक इंटरेस्टिंग मूव है, और उसके बाद बिशप B5 मुझे काफ़ी प्यारी मूव लगती है, जो कि आप पीस एक्सचेंज कर रहे हैं लेकिन बेहतर स्क्वायर से कर रहे हैं। उसके बाद रुक A4 ढूंढ लेते हैं वो, मतलब बराबर उनको दिख रहा है सारी चीज़ें, और उसके बाद जैसे क्वीन A6 हुआ और उसके बाद रुक C8 आए और रुक E1 के बाद H6, किंग H2, और यहाँ पर बिशप G5 जो है वो भी एक मतलब एक ऐसा मूव था जो कि अपोनेंट को उकसा रहा था कि भाई आप G3 करो वरना मैं बिशप F4 आ रहा हूँ। तो इसी तरह उन्होंने धीरे धीरे अपने सारे मोहरे इम्प्रूव किए और फाइनली जो है ये एक बेहतरीन जीत जो है बॉबी फिशर को हासिल हुई। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहे चेस बेस इंडिया चेस बेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन, जय हिंद। तो उम्मीद है आपको हमारे वीडियो पसंद आए होंगे, अपने सुझाव हमें जरूर दें और याद रखें शतरंज की हर छोटी बड़ी खबर के लिए जुड़े रहें चेस बेस इंडिया चैनल से। जी हाँ, चाहे वो खिलाड़ियों के इंटरव्यू हो या फिर वो खेल का विश्लेषण, चेस बेस इंडिया हमेशा आपके लिए खबरें लाएगा सबसे तेज सबसे जल्दी। सब्सक्राइब करें हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल को, अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन दबाना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि इसी से मिलेंगे आपको सारे नोटिफिकेशन। फेसबुक पर देख रहे हैं तो जरूर लाइक और शेयर करना ना भूलें।